परेशानी है यहाँ, कुछ के व्यवस्था है इतना ही ना है यहाँ कुछ के व्यवस्था। परेशानी तो इतना हो जे नैया आयल तो केनु गेली ना तो घेरायल होती व्यवस्था भेलै है ना नैया के ना देंगे के कुछ के ना मचान बना के रहल है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज, मेरा नाम अभिषेक है। हम इस वक्त मीनापुर प्रखंड के घोसौत पंचायत में और घोसौत गांव में जा रहे हैं इस वक्त, और देख सकते हैं चारों तरफ से ये बाढ़ में घिरा हुआ है। उस तरफ भी देखिए लोग ऊंचे पर रह रहे हैं और चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। इस गांव में आने के लिए आपको नाव का ही सहारा लेना पड़ेगा। आप ना तो पैदल आ सकते हैं ना किसी गाड़ी से आ सकते हैं, नाव के सहारे से ही यहाँ पर आप आ सकते हैं, नाव से ही आपको आना पड़ेगा। और नाव से ही हम आए हैं और हम भी नाव से आ रहे हैं, और चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। चारों तरफ जो गांव है वो पानी ही में घिर चुका है और आपको घर दिखाई देंगे, सब डूबे हुए हैं बाढ़ की पानी में। पूरा इलाका जो है वो डूबा हुआ है, लोग जैसे तैसे रहने को मजबूर हैं। हम खुद अभी अंदर चलेंगे, गांव घर के अंदर चलेंगे, और पूरा गाँव जो है वो नाव पर यहाँ पर आए हैं, नाव से आए हैं और नाव से ही आपको ले चलेंगे। हालाँकि इस घर में पानी नहीं है लेकिन चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है और यहाँ पर लोग हैं। पानी घुस गया क्या अंगना में? वहाँ न रुक गया पानी, ये खाली इतने दूर बचल है, इतने दूर ही है। ओहो, कितनी परेशानी होती है? सब परेशानी तो इतना हो जे नैया आयल तो केनु गेली ना तो घेरायल होती, माल बकरी सब ऊपर गेल है गाछी में। खाना पीना? खाना वो अथी बनलक हुए चूल्हा उल्हा पर वहाँ अथी से अथी बनै छै उन्हीं खाई छथिन। कितनी परेशानी होती है मतलब महिलाओं को? तो परेशानी तो इतना हो कथी बताऊ, ऐसा गाँव न है ना, रोड न रहता कुछ न, सब चीज से यहाँ निजाई है। परेशानी तो बहुत है, परेशानी तो बहुत है, पानी के बाढ़ से तो बहुत परेशानी है। कौन गांव है? घोसौत। कितना घर होगा इसमें डूबा हुआ? इसमें पूरा घर में पानी है। लोग कहाँ रह रहे हैं? लोग मचान बना मचान बना रहल है, मचान बना के रहल है। आ न तो वो पार लीची में न है कंपनी गिरल, बस वही ठीक उतर के रात भर रहल। और सरकारी कोई मदद? कोई मदद नहीं है, काल से खाना बन रहल है, काल से आई बनै कि न बनै। क्या नाम हुआ आपका? हमको मुकलाल सनी है नाम। क्या खाना उना कुछ न अथी है व्यवस्था भेलै है ना नैया के ना देंगे के कुछ के ना। कौन गांव है? घोसौत। घोसौत पूरा डूबा हुआ है क्या? पूरा डूबल है। कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी। क्या खा के रहते हैं? चिवड़ा उड़ा खाते रहते हैं। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, देख सकते हैं आप चारों तरफ पानी ही पानी है और आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। और लोगों से भी हमने बात की तो उन लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए, देख सकते हैं चारों तरफ पानी ही पानी है और पानी में ये पूरा इलाका जो है वो पानी में रहते हैं, अंदर पानी है। आप देख सकते हैं पानी पानी में लोगों को रहने पर मजबूर होना पड़ता है। तो बूढ़ी गंडक के बढ़ते जलस्तर ने इन इलाकों में तबाही मचा दी है और लोग जैसे तैसे रहने को मजबूर हैं। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। परेशानी है यहाँ कुछ के व्यवस्था है इतना ही ना है यहाँ कुछ के व्यवस्था। परेशानी तो इतना हो जे नैया आयल तो केनु गेली ना तो घेरायल होती, व्यवस्था भेलै है ना नैया के ना देंगे के कुछ के ना। मचान बना के रहल है,